हल्दी घाटी का युद्ध जिसे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें किसी की जीत नहीं हुई। एक तरफ अकबर की विशाल सेना थी जिसका नेतृत्व अमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे, वही राणाजी भील आदिवासी ब्राह्मण वेश्य मुस्लिम इनके एक स्वाभिमानी और अपनी मातृभूमि बचाने के लिए आम लोगों से बनी एक सेना थी। अकबर के इतिहासकार खुद अपनी किताब में महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम के बारे में लिखते हैं कि 3 घंटे चले इस युद्ध में मुगलों की तरफ से 50,000 की सेना थी, वही राणा जी की तरफ से 20,000 की। शुरुआत में राणा ने गुरिला युद्ध पद्धति से मुगलों की कई हजार सैनिकों को बेकार कर दिया। इसी वजह से मानसिंह ने अपनी सेना को पीछे हटाया और महाराणा प्रताप की सेना के साथ खुले मैदान में भिड़ने को कहा, जहाँ तकरीबन 3 घंटे युद्ध चला और दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन हुआ। एक वक्त तो राणा के घोड़े चेतक ने तो मानसिंह के हाथी के मस्तक पर पैर रख दिए थे, मानसिंह बाल बाल बचे। वही मानसिंह के हाथी के सूंड में एक तलवार बंधी थी, उसी तलवार ने चेतक के पैर पर एक घाव कर दिया। फिर भी चेतक डटा रहा, लेकिन जब बहता खून और अपने ही लोग जख्मी होते दिखे और राणा जी का भी शरीर लहूलुहान था, तो उनको उनके साथियों ने कहा कि पीछे हट जाते, और राणा को भी ये निर्णय सही लगा और वो पीछे हट गए। और इसी के साथ अकबर का वो सपना चकनाचूर हो गया जो था कि राणा को पकड़ने का। कहा जाता है कि राणा को 6 बार अधीन होने का न्योता भेजा था अकबर ने, लेकिन राणा ने स्वाभिमान से उसे ठुकरा दी और पूरी जिंदगी मुगलों से लोहा लेते रहे और पूरी तरह से वनवासी की जिंदगी जीते रहे। तो राणा के लिए एक लाइक तो बनता है यार।